हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके एग्जाम क्रैकर। मैं विष्णुदत्त शर्मा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जो जॉब है उससे रिलेटेड अपडेट लेकर आया हूं। और जो आज की अपडेट है वो गवर्नमेंट टीचर की एक काफ़ी बड़ी भर्ती आई है उसके बारे में है। जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है उनमें ये भर्ती आई है। 16 राज्यों से अलग अलग प्रकार की वैकेंसी आई है और जो सैलरी आपकी 70,000 प्लस है और कुल पद जो है आपके कुल पोस्ट है ये 3400 पोस्ट आई है। और अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। यहाँ पर मैं आपके लिए जो जो जानने योग्य जरूरी पॉइंट्स हैं वो सब डिस्कस करूँगा और पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। और फ्रेंड्स, डेली जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। ऐसा करने से आपको हमारी डेली वीडियो अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप किसी भी इम्पोर्टेंट अपडेट को मिस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आते हैं आज की जो मेगा गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट है उस पर, जानते हैं इसके बारे में ज़रूरी जानकारी। देखिए, ये भर्ती आई है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, EMRS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसमें TGT PGT प्रिंसिपल कि ये भर्ती आई है और जो टेस्ट है ये भर्ती है ये कंडक्ट की जाएगी NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है रिक्रूटमेंट एजेंसी है। तो ये देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं इसके बारे में सभी। जो आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो आपकी रहेगी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच आपको सभी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने हैं। जो लास्ट डेट है पेमेंट की वो है आपकी 1 मई 2021। और जो आपको फीस पेमेंट करनी है इसकी, ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर जो नेट बैंकिंग आपकी उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए जो पोस्ट है उसमें आपको 2000 रुपये की फ़ीस लगेगी और जो PGT और TGT की पोस्ट है उसके लिए 1500 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। जो करेक्शन करनी है आपको एप्लीकेशन फॉर्म में वो 4 मई से 6 मई के बीच आपको टाइम दिया जाएगा। और जो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है वो अभी एग्जैक्ट डेट नहीं कंफर्म है, उसको आपको नोटिफाई करवा दिया जाएगा NTA की वेबसाइट पर। जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है वो नोट करेंगे, आपका एग्ज़ाम होगा जो इसके लिए वो होगा मई के लास्ट वीक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में, ओके। और जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन होगी 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा और टाइमिंग्स हैं जो फर्स्ट शिफ्ट होगी जो 9 से 12 बजे होगी और जो सेकंड शिफ्ट होगी दोपहर को 3 से 6 बजे तक होगी, ओके। और बाकी जो इससे रिलेटेड रिजल्ट होगा आपका या फिर जो बाकी इन्फॉर्मेशन है उसको आपको जो है NTA की वेबसाइट पर आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जानते हैं कुल जो पद हैं वो 3400 पोस्ट हैं ये। और जो प्रिंसिपल है उसके लिए 173 टोटल पोस्ट है। आपकी आयु सीमा है, जो एज लिमिट है मैक्सिमम एज 50 ईयर्स है और आपके पास जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, BEd पास होने चाहिए आप और 10 साल का आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल के लिए 114 पोस्ट है, मैक्सिमम एज 45 ईयर्स है और मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, BEd पास होने चाहिए और 2 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT टीचर्स के लिए 1207 कुल पोस्ट है आपके लिए और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 ईयर्स है और आपके पास जो है जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास, मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ और BEd पास होने चाहिए आप। इसमें एक्सपीरियंस आपके पास नहीं भी हो तो भी चलेगा। और फिर नेक्स्ट पोस्ट है TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं उसके लिए कुल जो है 1906 पद हैं और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 ईयर्स है और आपके पास जो जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका डोमिसाइल होना चाहिए और बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ, BEd डिग्री होनी चाहिए आपके पास और जो आप है STAT या फिर CTAT, जो स्टेट का TET एग्ज़ाम होता है या फिर CTAT का एग्ज़ाम होता है उसका पेपर 2 आप पास होने चाहिए, ये सभी आपके पास जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ये सभी पोस्ट की मैंने बता दी। नेक्स्ट है आपके लिए जो पोस्ट हैं अलग अलग उनका पे स्केल देख लेते हैं। जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसके लिए आपका पे स्केल लेवल 12 का ये पे स्केल है, 78,800 से 2,09,200 के बीच का ये पे स्केल है आपका। वाइस प्रिंसिपल के लिए लेवल 10 का पे स्केल है, 56,100 से 1,77,500 तक ये आपका पे स्केल है। फिर है PGT टीचर के लिए आपका जो लेवल 8 का पे स्केल है, 47,600 से 1,51,100 तक ये पे स्केल है। और TGT के लिए आपका जो है लेवल 7 का ये पे स्केल है आपके पास
और ये मिलेगा आपको 44,900 से 1,42,400 के बीच ही आपकी सैलरी होगी। तो फ्रेंड्स आगे हैं स्टेट वाइज वैकेंसी, आप देख सकते हैं ये डिटेल्स हैं आपकी अलग अलग स्टेट्स की वैकेंसी की, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है उसका लिंक, उससे रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं इम्पोर्टेंट लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से वो आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख लीजिए स्टेट वाइज वैकेंसी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये बाकी लगभग जो है 16 स्टेट की वैकेंसी दिखाई गई है। फिर नेक्स्ट है आपका जो एग्ज़ाम होगा, जो मोड ऑफ एग्ज़ाम होगा, जो एग्ज़ाम का नाम है वो आपका है EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम, यानी ETSSE बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, और ये कंडक्ट किया जाएगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका ऑनलाइन कंप्यूटर पर टेस्ट लिया जाएगा। और जो च्वाइस होगी, जो एग्ज़ाम पेपर आएगा आपका, वो दो मीडियम होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है ये मीडियम में आपका एग्ज़ाम पेपर आएगा, दोनों आप कोई भी मीडियम आप चूज कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम जो जो सावधानियां बरतनी है, जो जो ध्यान रखने पॉइंट्स, एग्ज़ाम डेट, ये सॉरी मैंने ये डेट्स बता दी, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच आपको जो है इसका NTA की वेबसाइट पर आपको जो फॉर्म फिल करना है, उसके बाद जो है आपको अपनी एलिजिबिलिटी और बाकी ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, सभी डिटेल्स जो है अच्छे से फिल करनी है, फ़ोटो, साइन, ID प्रूफ जो भी है अच्छे से अपलोड करनी है आपको, और फिर फाइनली जो है सभी डिटेल्स के साथ जो एप्लीकेशन है वो उसको सबमिट करना है, और एक जो है आपको अपने पास या तो कॉपी सेव कर लेनी है एप्लीकेशन की या फिर उसका जो है प्रिंटआउट लेकर रख लेना है। और जो इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट है, जो एज लिमिट आपकी वो कैलकुलेट की जाएगी 30 अप्रैल 2021 से, यानी जो इस भर्ती के लिए जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वहाँ से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। तो फ्रेंड्स जो ये इस भर्ती से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल अपडेट होगी, काफ़ी जो है यूजफुल आपके लिए इन्फॉर्मेशन होगी। तो फ्रेंड्स इसी अपडेट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी डेली वीडियो अपडेट्स पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कीजिए, और हमारी डेली वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। ऐसा करने से आपको हमारी डेली वीडियो अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप एक भी इम्पोर्टेंट अपडेट को मिस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी अपडेट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अपडेट्स और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।